everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी स्पेशल रीडिंग के साथ में. जी हाँ, जिन भी लोगों का है आज जन्मदिन, यानी कि 14 नवंबर को जिन भी लोगों का जन्मदिन आता है, जो लोग इस तारीख को जन्मे हैं, उनका आने वाला साल कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगी. तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. जिन भी लोगों का आज बर्थडे आप हमें देख रहे हैं, तो आई रियली विश यू लक एंड मैनी मैनी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स. तो आपका जो आज का साल है ना, इस बार का, वो कैसे जाने वाला है? इट्स गोइंग फाइन. ओ माई गॉड, देर इज अ अप. ओ माई गॉड, देर इज अ डाउन. अगेन इट्स गोइंग फाइन एंड अगेन एंड अप एंड अगेन एंड डाउन. तो काफ़ी ज़्यादा ना ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ जैसा दिखाई दे रहा है आपके लिए. लेकिन अच्छी चीज़ मुझे बताती हूँ, जो फाइनेंसिस को लेकर के है, मनी को लेकर के है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड चिंता हर एक को सताती है कि भाई मुझे तो इतना बता दो पैसे के मामले में मेरा साल कैसा रहेगा, मैं निश्चिंत हो जाऊँ. तो आपके केसेस में बताती हूँ, मुझे लगता है कि आप आने वाले वक्त के अंदर और मे बी अभी भी करेंटली भी लॉसेस में डील कर रहे हो, यानी कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो रखा है और आप अभी अपने डेब्ट्स को चुकाने में लगे हुए हो. अच्छी चीज़ इस साल की बस यही रहेगी कि फाइनली आप अपने डेब्ट से बाहर निकल जाओगे. मिडल आते आते उस स्टेज तक पहुंचोगे जब आपका मनी फ्लो जो है वो काफ़ी बैलेंस हो जाएगा. आपको किसी का पैसा चुकाना नहीं है, जितना चाहिए उतना मनी फ्लो आपके पास आ रहा है. और अंत होते होते साल का आप काफ़ी स्टेबिलिटी भी महसूस करोगे पैसे के मामले में. तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल जो है निश्चिंत हो जाइए. दूसरी बात करते हैं हम, अगर आप जॉब पे हो तो मुझे लगता है प्रमोशन के चांसेस एक नहीं आपके दो दो ऑफर्स जो है यहाँ पर आएंगे, जहाँ पे आपको प्रमोशन ऑफर हो रही है. एक्सेप्ट करना ना करना स्टिल योर चॉइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है उसकी कुछ खास. तो हो सकता है पोजीशन तो बढ़ रही है, पैसा नहीं बढ़ रहा, तो आपकी कोई इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और आप शायद इस चीज़ पे अड़ते हैं कि मुझे प्रमोशन में डेजिग्नेशन के साथ जो है मनी भी चाहिए. 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपकी वर्क प्लेस पे किसी के साथ में झड़प हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, बॉस के साथ में भी बहस हो सकती है. तो वो आपने देखना है कि कैसे आप उसको संभालोगे, क्योंकि ये ज़्यादातर जो चांस बनेंगे ये मई के महीने में जो है आपके किसी सीनियर के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है. वर्क रिलेटेड ट्रैवल जो है इस साल आपका काफ़ी रहेगा, बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना लगा रहेगा. लॉन्ग ट्रैवल नहीं दिखाई दे रहा है, बट वर्क रिलेटेड अप डाउन जो है वो लगा रहेगा. फैमिली में किसी की शादी तय हो सकती है, फैमिली में कोई बच्चा आ सकता है जिसका फंक्शन है, वो आप अटेंड कर रहे हैं. आपकी इंगेजमेंट तो नहीं, बट हाँ आपके सिबलिंग्स में से किसी की इंगेजमेंट भी मुझे यहाँ पे होती दिखाई दे रही है. फैमिली गेट टुगेदर काफ़ी होंगे, 3-4 फंक्शंस जो है मुझे यहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर के दिखाई देते हैं आपके इस आने वाले साल में. लव के मामले में बात करूँ तो कार्ड आया है यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, है ना. तो भगवान ने आपको भी मैसेज देना चाहते हैं कि बेटा देखो, अगर लाइफ में कोई पार्टनर नहीं भी है, अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, शादी नहीं हुई है, सिंगल हो, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. बिकॉज मुझे लगता है आजकल का तो टाइम ऐसा हो गया कि बींग सिंगल इज़ अ ब्लेसिंग, है ना. पर नहीं, बहुत सारे लोगों की अच्छी होती है, कंपेनियनशिप बहुत ही खूबसूरत है. आपकी लाइफ में भी आपका कोई कंपेनियन ज़रूर होना चाहिए और यही यूनिवर्स भी आपको बोल रही है कि येस यू डिज़र्व लव, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आप जिसको भी मतलब लाइफ में डिज़र्व करते हो वो जो है जल्दी ही आपकी लाइफ में आ जाएगा. बहुत इमीडिएट लव एंट्री मुझे नहीं दिखाई दे रही, बट आपकी लाइफ में वो श्योर आ जाएंगे. अनदर कार्ड इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन. कई बार लाइफ में हम चलते चलते काम करते करते अपने आप को ना इतना इग्नोर कर देते हैं कि अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं. वो हमने यहाँ पे नहीं करना है. अपने आप को पूरा टाइम दीजिए, रेस्ट दीजिए, है ना. गो फॉर मसाजेस, गो फॉर सेल्फ केयर, डू एवरीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, है ना. उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है. और मेडिटेशन को अगर आप अपनी लाइफ का पार्ट बना सकें तो मैं बोलूँगी वाह, सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो इंपॉर्टेंट जो मंथ्स हैं वो आपके लिए जो रहने वाले हैं वो है जून, अप्रैल, मई एंड जून. मई के महीने में प्लस और माइनस दोनों बहुत ज़बरदस्त होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप मई के महीने में फील कर सकते हैं. लकी कलर्स के लिए बात करूँ तो येलो, पिंक एंड रेड जो है आपके लिए लकी रहेगा. लकी नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं तो 3, 4 और 6 ये आपके लिए लकी रहने वाला है. सो आई होप यू लाइक द रीडिंग. हमने आपको बताया कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा. अगर आप स्पेसिफिकली पर्सनलाइज अपने लिए सेशन चाहते हैं, अपने लिए रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.